भंवर सिंह को अब इस पूरे बहस में लाना चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि जब भी इस तरह के मसले आते हैं तो तुरंत ही न्यायपालिका तत्पर हो जाती है और कोई ना कोई कमेटी बनाई जाती है, इसकी जांच की जाती है। लेकिन जैसे भंवर सिंह, इस मसले को यदि हम देखें बहुत गहराई से, कमेटी बनी, इस बात के सबूत मिले जैसा कि कहा गया कि 5 करोड़ 10 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार का लेन देन हुआ, रिश्वत दिया गया, लेकिन जो कार्रवाई हुई, यदि यही आप कल्पना करें कि यही कुछ इस तरह के सबूत किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य विभाग में मिलता तो उसका जो लीगल कोर्स होता वो कुछ और होता। यहाँ पर ये लीगल कोर्स नहीं हुआ है, केवल सस्पेंशन हो गया या उनका नाम किसी अन्य कोर्ट के लिए नहीं या फिर उच्च जज के लिए नहीं गया, तो ये क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट सजा है? इस तरह के तमाम मामले हैं जिसमें इस मामले को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे दबा दिया जाता है या फिर न्यायपालिका अपनी छवि को बचाने के लिए, लोगों की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए चाहती नहीं है कि पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें ज़्यादा आएँ। देखिए, ये इंडिविजुअल केस क्योंकि अभी पेंडिंग है, इसकी जाँच भी पेंडिंग है और अभी पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं हुआ है। जाँच ये चलेगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में सबूत जुटाए जाते हैं और उसमें लंबा प्रोसीजर है और उसका रिजल्ट क्या होगा ये इस वक्त कहना मुश्किल है। एलिगेशंस जो हैं सही भी हो सकते हैं और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं जहां करप्शन है वहीं से जजेस भी आते हैं, उसी सोसाइटी में लोग फॉल्स एलिगेशंस भी लगाते हैं। बहरहाल, हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए कि वेयर लाइज द फॉल्ट। क्या हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, उसमें कहीं फॉल्ट है या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सही नहीं है? हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, जबकि दूसरे देशों में, ख़ास तौर से जो है अमेरिका में, जब किसी लॉयर का अपॉइंटमेंट बतौर जजेस करना होता है जी, तो दैट एडवोकेट इज पुट ऑन ए वॉच फॉर 2 ईयर्स एंड ए कमेटी ऑफ वेरी सीनियर जजेस हु आर इंडिपेंडेंट एंड हु आर वेरी इम्पार्शियल जजेस हु होल्ड द की टू द जुडिशियल सिस्टम, दे कीप ए वॉच फॉर 2 ईयर्स एंड दे वॉच हिम वेरी क्लोजली। They watch their knowledge, they test their integrity, they test their conduct, their behavior, and then after 2 years, if that committee submits a report, yes, he deserves to be elevated, he deserves to be appointed as a judge of the district judiciary or the high court level judiciary, then he is appointed. हमारे यहाँ क्या होता है, 300 vacancies are advertised. उसमें बड़ा पुअर स्टफ आता है। आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस वेयर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस लेवल जजेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस, दे आर नॉट वेरी नॉलेजेबल पर्सन्स एंड बट सिंस दे आर सेलेक्टेड इन द सिलेक्शन कोर्स बीइंग लेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, दे आर द जजेस। But my experience shows, I have been chairman of the Judicial Training Institute, and I found many judges are not having a good reputation insofar as their knowledge is concerned. And therefore, we should improve our judicial system insofar as selection is concerned. Selection and if Rashidji, if you give me 2 minutes more, I'll just narrate an very good anecdote of Utah State in United States, where every judge is very closely watched, and after every 5 years, there is a committee, there is a board. The members of which examine, they scrutinize whether this particular judge, and I repeat that after every 5 years this procedure takes place, whether he deserves to be retained in service or he should be sent back home. Ji. And there are 4 issues on which his retention or his removal is tested. Bilkul. What are they? Just give me 1 minute more, I'll complete my point. Ji. And these 4 issues are,
whether this judge during the tenure of 5 years has been able to understand the issues between the two parties of the cases he devoted his time. Number two, whether he has made understandable to the parties and their counsel that he really understand those issues. The third thing, whether he has made his sincere and best endeavor to resolve those issues. And fourth, whether he is he has given the logical reasonings in his judgment to give a correct decision. And just half a minute more, what is more interesting in this context is that this board comprises of 7 lawyers, one chief justice, an attorney general of that state, and 4 more office bearers. And see, where there are 7 lawyers, majority of them are lawyers. They are those lawyers who appear in the court of those judges, and even they have the power to either remove him or recommend his retention. So, our judicial system needs as a whole to be improved right from the day of selection. पहले पहले दिन से ही ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत